अगर आप लोग अपनी बॉडी की ग्रोथ करना चाहते हो, अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, अपनी बॉडी को सुंदर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि मेल में पाया जाता है, और इसी के बढ़ने पर हम मजबूत बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। और जिम के जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी इसी को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल्स खाते हैं, मतलब ज्यादातर जो वो खाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए खाते हैं। आप में से आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कैसे बढ़ाया जाता है, आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए डाइट सुनी होगी, सप्लीमेंट सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको आज कुछ ऐसा योग बताने वाला हूँ जिसको करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। इनको आप दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट कर सकते हैं तब भी ये आपको फायदा देंगे। आप हर रोज एक योग को 5 मिनट दे सकते हैं, एक योग को बताऊंगा तो मैं बहुत सारी, लेकिन एक योग कम से कम 5 मिनट जरूर करें। और हाँ, योग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि योग करने से पहले आपको कम से कम 1 महीने तक नोफैप का पालन करना पड़ेगा। अगर बहुत समय हो गया नोफैप का पालन करते हुए तो बहुत अच्छा है, यानी कि सीधी सीधी सी बात करूं तो वीर्य रक्षा यानी कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाना ही पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, तब जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा बढ़ता है। द कोबरा, यह योगा इतना शक्तिशाली है, जब भी कोई इंसान इस योगा को 2 से 3 मिनट तक करता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है। इस लाभ को पाने के लिए आप अपने हाथों और घुटनों के बल से शुरुआत करें। अपने हाथों और बाहों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें, अपने घुटनों को लगभग एक साथ रखें। अब अपने पैरों और कमर को फर्श पर नीचे रखें ताकि आपके पैर सीधे आपके पीछे हो। अपनी ऊपर के शरीर को ऊंचा रखें, अपनी बाहों को फर्श पर फैलाते हुए सीधे ऊपर देखें, अपनी भुजाओं को अपनी ओर झुकाकर रखें। यदि आप गर्दन में समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप उतना कर सकते हैं जितनी आप अपनी गर्दन मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़े। यह योगा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को 16% तक बढ़ा देती है, ठीक है। यदि ये योगा आप करते हो, नियमित रूप से करते हो, तो यह भी पाया गया है कि यह मुद्रा कोर्टिसोल का जो स्तर होता है उसको कम करती है। इससे क्या होता है, इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। प्लोपोज, हल मुद्रा एक उल्टा मुद्रा है। अपने पीठ के बल लेटकर अपनी भुजाओं को अपनी तरफ करके प्रारंभ करें। अब अपने पैरों को ऊपर और अपने ऊपरी शरीर की ओर ले आएं, अपने धड़ को फर्श पर सीधा रखें, फिर अपने पैरों को सीधा नीचे की ओर फैलाएं जब तक कि आपके पैर की उंगलियां आपके सिर के ऊपर फर्श को ना छू लें। यह मुद्रा न केवल आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगी बल्कि आपके मूड को भी बढ़ावा देगी, ठीक है। देखो मेरे भाइयों, सिंपल सी बात है, जब मूड सही होता है ना तो अपने आप ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। और ये भी नहीं होता कि 24 घंटे आपका मूड सही रहे, ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, तो इस योगा से रहेगा, ठीक है। जब आप ये करोगे तो बहुत ज़्यादा मूड अच्छा हो जाएगा, आपकी शांति और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। योग के प्रति उत्साहित लोगों का मानना है कि तनाव को कम करने वाली कोई भी मुद्रा सकारात्मक दुष्प्रभावों का झरना है, मतलब इसका एक हिस्सा टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन लाभों में वृद्धि करता है। कहने का मतलब ये है कि जो योगा आपको, मतलब ये योगा करने से आपका जो टेंशन है, तनाव है, वो खत्म होता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऊपर की तरफ पुश करता है और ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी ऊपर की तरफ पुश करती है। शोल्डर स्टैंड, ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना कठिन नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। करने का तरीका समझो, अपनी भुजाओं के साथ अपनी पीठ के बल सपाट लेटकर शुरुआत करें, फिर अपने पैरों को सीधा ऊपर उठाएं, उठाते रहें ताकि आपके कूल्हे भी फर्श से ऊपर उठे। अब आप तब तक ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका पूरा शरीर फर्श से लंबवत ना हो जाए, केवल आपका सिर, कंधे और ऊपरी भुजाएं ही आपके शरीर को सहारा देंगी। आप अपना समर्थन करने के लिए अपने हाथों को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रख सकते हैं। अगर आप गर्दन की समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत है गर्दन में, तो इस आसन को करते समय अपने कंधों के नीचे कुछ रख लें। आप एक छोटा सा तकिया रख सकते हैं या फिर कुछ कोई भी लुढ़का हुआ कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये योगा करने से पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य में मदद मिलेगी। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ा हुआ योगा है। कहने का सीधा सा मतलब है, ये योगा आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। बो पोज, यह मुद्रा आपके पेट पर दबाव डालती है जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगी, आपका तनाव, चिंता और थकान को दूर करेगी। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर शुरुआत करें, अपने घुटनों को मोड़े और अपने पैरों को ऊपर उठाए और जितना हो सके अपने बट के करीब लेकर आए। बाकी आप वीडियो में देख रहे हो कैसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे करना है। ये 4 योगा मैंने आपको बताई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन। कम तनाव का मतलब होता है कम कोर्टिसोल, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब हमारी टेंशन कम होती है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और जब हमारी टेंशन अधिक होती है हमारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, ठीक है।
अगर आपको कोई मतलब नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन गिरता है, नेगेटिव थॉट्स से भी टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है, तो भाई ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, ओम का उच्चारण करना शुरू करें। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक है। सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने पहले भी देखे होंगे महान जितने भी महान पुरुष रहे, योद्धा रहे, ब्रह्मचारी थे, वो ध्यान किया करते थे ठीक है। इससे क्या होता है, जब ध्यान करता है व्यक्ति कोई, तो नेगेटिव नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं और पॉजिटिव फीलिंग आती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे ये फायदा होता है ठीक है ना। अब मान लो आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो, अपने वीर की रक्षा कर रहे हो ठीक है, अब नेगेटिव थॉट आते हैं, टेंशन रहती है, तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ेगा खुद सोच कर देखो। तो हर चीज़ का पालन करना पड़ता है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है ठीक है। तो ये पांच चीज़ें मैंने आपको बताई, ये पांच चीज़ें फॉलो करो और आपका टेस्टोस्टेरोन एक महीने बाद खुद पे खुद चेक करवा लेना। आज चेक करवा लो, एक महीने बाद चेक करा लेना। ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।